अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैन में मैंने 1 कप सूखा खोपरे का पाउडर लिया है, आप कट करके भी डाल सकते हैं। हम इसे स्लो फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 1 कप मूंगफली डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भुनेंगे और फिर इसे भी निकाल लेंगे। अब 2 टेबल स्पून खसखस डालेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक भुनेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। अब 10 से 12 काजू लेंगे, मैंने टुकड़ा काजू लिए हैं। 2 मिनट तक काजू को भुनेंगे और फिर इसे भी निकाल लेंगे। अब पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेंगे और 2 मीडियम साइज की प्याज कट करके डालेंगे। हल्का ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब इन सबको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो पैन में 1/2 कप ऑयल गरम कर लेंगे। 3 मीडियम साइज के आलू कट करके डालेंगे और फास्ट फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। आलू को हम दोनों साइड से ब्राउन होने देंगे और फिर इसे भी निकाल लेंगे। मैंने मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं और ये सब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो जार में हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते वक्त हम इसमें पानी भी डालेंगे। अब कुकर में 1/2 कप ऑयल गरम कर लेंगे और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक हम इसे भुनेंगे। अब इसमें हमने जो मसाला ग्राइंड किया था वो डालेंगे। अब इसे भुनेंगे। गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर ली है वरना इसका मसाला बाहर उड़ेगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1/2 किलो मटन डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1.5 कप दही डालकर इसे अच्छे से भुनेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। याद रखिए कि लास्ट सीटी के बाद कुकर का ढक्कन नहीं खोलेंगे, इसे यूं ही 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे और बाद में भाप निकल जाने के बाद खोलेंगे। अब कुकर का ढक्कन खोलते हैं। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब स्लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। इसका मसाला भी अच्छी तरह पक चुका है और गोश्त भी गल चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप पुदीना के पत्ते, 1/2 कप हरा धनिया और 5 हरी मिर्ची बीच से चीर के डालेंगे। अब 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, नमक अब आपके टेस्ट से डालिए। अब फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और 2 गिलास पानी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक ढक्कन ढककर इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। और ये देखिए मटन कोरमा रेडी हो चुका है। आप इसे नान के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ सर्व कीजिए। तो आप गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी मटन कोरमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।